नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से बहुत ही टेस्टी रबड़ी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से एकदम टेस्टी सी रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 6 स्लाइस ब्रेड की ली है। अगर आपको कम बनानी है तो आप 4 ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के हम साइड से हटा देंगे, इसका ब्राउन वाला पार्ट है वो हटा देंगे। सभी ब्रेड हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी ब्रेड तैयार कर ली है। अब हम इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। देखिए, मैंने ब्रेड क्रम बना लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी के अंदर हम ब्रेड क्रम डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। फ्रेंड, आप तेल यूज़ ना करें, घी ही यूज़ करें, क्योंकि घी से ही इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही कम घी लगता है इसमें। और ब्रेड क्रम को हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। इसी तरह चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। देखिए फ्रेंड, ये भून गया है। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही भूना है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसी तरह चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये लम्स जो है फ्रेंड, बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे। आप डरे नहीं, अगर लम्स पड़ गए हैं तो आप विस्कर की सहायता से इसे इस तरह से चला ले, लम्स जो है वो सभी खुल जाएंगे। चम्मच की सहायता से भी खुल जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने सभी लम्स खोल लिए हैं। ये एकदम स्मूथ सी हो गई है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। ये 5 से 7 मिनट में रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1/3 कप इसके अंदर मिल्क पाउडर की डाल देंगे। ये 3 से 4 चम्मच के करीब है। विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ये रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 6 चम्मच मैंने शुगर ली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को भी हम विस्कर की सहायता से मिक्स कर लेंगे, ताकि शुगर और मिल्क पाउडर जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। बस इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे, ताकि ये तले पे ना चिपके। अब हम इसके अंदर कुछ केसर के धागे डाल देंगे, जिससे हल्का सा कलर आ जाएगा और ये दिखने में सुंदर लगेगी। केसर जो है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने 5 से 7 काजू और 5 से 7 बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने पतला पतला काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और इसे इसी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है फ्रेंड्स। मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर डाला है 1/4 चम्मच। बीच में कैमरा बंद हो गया था, तो अगर आप इलायची का टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। रबड़ी हमारी अच्छे से बन गई है। आप देख सकते हैं, पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। गैस को हम बंद कर देंगे, इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे पिस्ता और बादाम की कतरन से डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगी और खाने में तो ये टेस्टी बनी ही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है।
आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको रबड़ी का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।